नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। देश भर में नवरात्रि के इस महापर्व पर महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल करना आरंभ कर दिया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं विधानसभा चुनाव की, जहां बीजेपी को छोड़ अपक्ष से नामांकन करने के लिए अंधेरी विधानसभा से मुरजी पटेल काका स्थानीय लोगों के साथ अपने कार्यालय से चलकर भारी संख्या में नामांकन करने पहुंचे। इस दौरान जगह जगह उनका लोगों ने स्वागत सम्मान किया। मुरजी पटेल कहते हैं कि अंधेरी विधानसभा की जनता चाहती है कि वह चुनाव लड़े, इसलिए बीजेपी को छोड़ अपक्ष से नामांकन कर रहा हूं। मैं पक्ष और पार्टी में नहीं जाना चाहता हूं। मुझे अंधेरी की जनता ने एबी फॉर्म दिया है जी। और वो एबी फॉर्म लोके अभी मैं पर्चा बनने जा रहा हूं जी। जिस तरह से भीड़ है आपके साथ है, क्या रिजल्ट होगा 24 तक? हम पिछले 22 साल से इस अंधेरी की जनता में जनता की सेवा करते आ रहे हैं और अंधेरी की जनता 3 दिन से लगातार मीटिंग पे मीटिंग खुद ही ले रही है जी। और मुझे आज मैदान में उतारा कि आपको चुनाव लड़ना है, फिर हमने निर्णय लिया कि आपका जो डिसीजन है वो हमारा डिसीजन। यहाँ के वोटरों के लिए क्या संदेश है 21 तारीख के? यहाँ वोटरों के लिए हमारा एक सपना है कि अंधेरी में हर घर में पानी का नल होना चाहिए, हर गली में लाइट होनी चाहिए, हर गली में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, ट्रैफिक की समस्या दूर होनी चाहिए, अंधेरी में एक अच्छी हॉस्पिटल होनी चाहिए जिससे गरीब लोग जाके अपना इलाज करा सके, अच्छी एक स्कूल होनी चाहिए गरीब बच्चे जाके मुफ्त में एजुकेशन कर सके। यही सब मुद्दा लेके हम जा रहे हैं और यही सब हम पिछले 20 साल से करते आ रहे हैं। मतलब 20 साल का अनुभव इस बार काम आएगा आपका? अभी वो तो अंधेरी की जनता तय करेगी, हमने जो किया वो सामने रखेगी, हम क्या करने वाले वो सामने कर रखेंगे, दूसरा सामने वाला क्या करना है वो हमको मालूम है। बीजेपी और शिवसेना की बीच से आप निकल के एक बार फिर मैदान में है, तो कितना आप चैलेंजिंग है आपके लिए, कितना? मुझे नहीं लगता हमको कोई चैलेंज नहीं है, चैलेंजिंग है, लेकिन हम सत्ता के साथ है बस, ज्यादा कुछ नहीं।